don't mind. Na 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 na, don't mind. Na 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 na, don't mind. हर वक्त पता नहीं किन चुड़ैलों को स्टॉक करते रहते हैं। निप्पी मेरे पे हर टाइम शक मत किया करो। शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। पूरा घर हर टाइम सर पे उठाना जरूरी नहीं होता, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। आप तो मुझे कहते थे कि मैं शादी से पहले तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा। किसी का बाप पलकों पे बिठा के दिखा दे, मान जाऊंगा। शादी से पहले तो आप कहते थे कि तुम जैसी कोई हसीन खूबसूरत परी है ही नहीं। तो मुझे पता नहीं ना था, अब इतनी ज्यादा निकल आई है क्या बताऊं। अगर आपने किसी और लड़की के बारे में सोचा ना है सन, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भी होगा। तीन लोग ऐसे हैं जो फिर भी बुरे होंगे। कौन? आपके प्यारे से भाई जो आप जहेज में लेके आई हो। मेरे भाइयों के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। सुनना तो पड़ेगा, और मेरी बात गौर से एक सुने। मेरे अभी गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ मैं यूट्यूब पे एक शो शुरू कर रहा हूँ, तो कुछ मजे का खाने का बना दीगा। खाना तो आज बाहर से ही आएगा। कभी तो मेरी बात रख लिया करो। एक गेस्ट आओगे। बाहर से बड़ी लड़ाई की आवाज आ रही थी, खैर है? नहीं, वो हमारी प्यार मोहब्बत चल रही है। हम लवर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आइए ना, प्लीज बैठिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। प्लीज बैठिए ना। हर टाइम ही करते रहते। थैंक यू जी। हर टाइम ही ब्लॉगिंग। आपको पता है यूट्यूब का जमाना है तो जरूरी है। वो इतनी व्लॉगिंग करता है, इसने तो नहाते हुए व्लॉग बनाया हुआ अपना। अब कह रहे हैं अपलोड कहाँ करूँ। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। व्लॉग बनाया ऐसा लिया ना, मतलब ये वाला शैम्पू इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बताएं एहसन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, ठंडा लेंगे गरम? हम लोग तो पी गए हैं। पी गए हैं? जी जी। खा कर भी आ जाते हैं? नहीं जी, जी? आप नहीं, उन्होंने कहा कुछ खाएंगे आप लोग बताएं। हाँ। आप लोगों ने तो ये भी पूछ लिया, नहीं तो लोग पता है क्या पूछते हैं? आप खाना खाकर आए या घर जाके खाएंगे? ऐसे ही। अब देखिए दोनों सूरतों में हमें कुछ नहीं मिल रहा। हाँ। लेकिन हम आए खाना खाने के लिए। खाना खाने हम कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों के पास भी आगा। हाँ, लेकिन पता नहीं, खैर मुझे भी नहीं मिलता यहाँ खाना। नहीं नहीं, आप लोगों के लिए बाहर से मंगवाया है। खाना नहीं मिलता? मुझे लगता है आप दोनों की लव मैरिज है। बिल्कुल ऐसा ही है। लव मैरिज तो करनी नहीं चाहिए भाई, लव खत्म हो जाता है मैरिज रह जाती है। नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। काफी मोहब्बत भी दिख रही है आप दोनों के एक्सप्रेशन से। हाँ, जी जी। खैर ये तो बातें चलती रहेंगी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आपसे मैं रिजवान कुछ पूछना चाहता हूँ कि यार, जैसे आप अपनी हाइट से बहुत बहुत बड़े काम करते हैं, तो कभी इन कामों के दौरान कोई हाइट को लेके कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? देखिए हाइट को लेके तो कोई भी चैलेंज वैसे तो खैर नहीं आता सामने। चैलेंज कोई भी हो, चैलेंज को क्रॉस करते हुए आगे निकलना है। हाइट मायने नहीं रखती, चैलेंजेस मायने रखते हैं, उसको क्रॉस करते रहे, निकलते रहे। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों यूट्यूब पे तो काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह कितनी अर्निंग हो जाती है? बस कोरमा रोटी चल रहा है बस। कोरमा रोटी, एक होता है दाल रोटी। हाँ। फिर उसके पास आता है कोरमा रोटी, फिर उसके बाद बिरयानी वगैरह वगैरह चाइनीज। तो अभी हम कोरमा रोटी वाले पे। अच्छा, यूट्यूबर्स ऐसे बहुत तेज होते हैं, महीने के जस्ट 25-30 लाख कौन दे रहा है? बता दें आप लोग कुछ। 25-30 लाख YouTube वाले दे रहे? नहीं सर, वो आप किसी और ट्यूब की बात कर रहे हैं, YouTube पे इतने नहीं मिलते। अच्छा। मतलब और भी बहुत सारी ट्यूब हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। YouTube है, दानों वाली ट्यूब बेच रहे हैं लोग, बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे बेच के कमा रहे हैं। हाँ। वैसे इसका मतलब जो बाकी यूट्यूबर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग इतने इतने कमा लेते हैं, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, वो पीछे से अमीर है। अच्छा, हम आगे से अमीर है, मतलब हमारा दिल बहुत बड़ा है। मतलब वो सारे हर वक्त कैलकुलेट करते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आप डॉलर देखे ना, 200 रुपए का हो गया। बिल्कुल। तो अब जो $100 कमाता था तो उसके पहले कितने आते थे? मेरे ख्याल 18,000 रुपए आते थे। ऐसे 20,000 आ रहे हैं, ज्यादा ही आ रहा है। वहां से डॉलर बढ़ रहा है, यहाँ से आटा बढ़ रहा है, समझ रहे हैं? बराबर है। हाँ, पेट्रोल बढ़ रहा है। अब जो बेचारा रुपीज में कमा रहा है ना, वो फंस रहा है। बात तो सच है वैसे। अहमद, बात सच है मगर है रुसवाई की। जी जी, सॉरी। हाँ, आप ये बताएं कि हमारे सुनने में आया है और ये बात सच ही है शायद, कि आपने अपनी फैन से शादी की है। जी जी, मैंने अपनी फैन से शादी की है और मेरी फेसबुक मैरिज है। फेसबुक मैरिज है। इट्स फाइन। हमारी एक पत्नी, कौन सी आईडी से मैसेज आया जिस पे डीपी भी नहीं लगी हुई थी, ठीक है, वहां से मैसेज आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मेरी बीवी हो सकती है। वाह, अच्छा। माशाल्लाह लव मैरिज हुई, फिर बस लव खत्म हो गया, वही पहले वाली बात। मैरिज ऐसा क्या हुआ जो लव खत्म हो गया? बच्चे हो गए। यार शादी हो गई ना, अगर आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, खुदा की कसम शादी कर लें, खत्म हो जाएगा। मुझे क्यों कह रहे हैं, मेरी हुई भी है सामने। आपकी लव मैरिज है? बिल्कुल, इंस्टाग्राम मैरिज। आपकी फेसबुक मैरिज है? फेसबुक मैरिज, इंस्टाग्राम मैरिज, मैं टिकटॉक मैरिज करूँ।
आप अपने वजन के हिसाब से किलोग्राम मैरिज करेंगे। पहले शादी के बाद अगर छेड़ी गई है, सब यूट्यूबर्स बड़ी शादी कर रहे हैं, ऐसा ही है, वीडियोस भी डाल रहे हैं, ऐसा ही है। आप अपनी शादी की वीडियो कब डालेंगे? मैं जरा देखें, अभी जरा सर्चिंग जारी है, सर्चिंग करके शादी करेंगे। आप अभी शादी की वीडियो डालें, शादी के बाद वाली वीडियो डालें, मतलब बच्चे जब आपके हो जाएं उनके साथ आप व्लॉग बनाएं। अभी तो लेकिन मैं सर्चिंग में हूं ना भाई, मैं सुशील कन्या ढूंढ रहा हूं मैं। हां अभी तक कोई भी नहीं मिली। हां करो, दो टांगों वाली नहीं है, बेवफा होती है, करो कोई तीन टांगों वाली दिखाओ, ये लड़की स्टैंड पे खड़ी करना चाह रहे। एक सवाल है कि मतलब आपकी फैमिली में जो हाइट है वो सबकी इतनी ही है या मतलब मेरी हाइट के मुताबिक? जी जी, देखें घर में वैसे तो सब एमजे हसन अहमद भाई सारे इसी हाइट के हैं, मेरी मम्मा भी आपकी हाइट के हैं, लेकिन किसी एक को घर में स्टार बनना था जी, तो वो मैं। क्या हुआ, क्या वो दो क्या मैंने चूमना है? बहुत खूबसूरत बात कही है। आप ये देखें कि इसने बात कितनी बड़ी कही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी बड़ी बात कर दी, कितनी बड़ी बात, बात ही इज अ स्टार, नो डाउट, नो डाउट, ही इज अ स्टार। वैसे अहमद, मैंने ये सुना है कि आपकी वालदा जो है वो चाइना से हैं। हाँ, मेरी अम्मी का ताल्लुक चाइना से, अच्छा, अब्बू का इंडिया से था, अच्छा, और मामू हैं उनका जो है क्या कहते हैं ताल्लुक बांग्लादेश से था। मैंने अम्मी से ये पूछा, हम सब इकट्ठे कैसे हुए? एक वहाँ रह रहा है, एक यहाँ रह रहा है, हम इकट्ठे कैसे हुए? तो ये फैमिली प्लानिंग थोड़ी सी आउट हुई है। और मैंने आपको बताया ना कि मेरी अम्मी चाइना की हैं, तो चाइना के लोग बड़े मेहनती होते हैं। कैसे? इतनी अम्मी मेहनत करती रहती हैं सुबह शाम। मैं अम्मी को बोलता हूँ कि ये पाकिस्तानी मशीन का काम ही नहीं है जो वो काम करती हैं दिन भर, ऐसा ही है। अच्छा, वैसे उनको लैंग्वेज प्रॉपर आती है उर्दू? बेसिकली नानी वो थी चाइना की। अच्छा अच्छा, तो अम्मी ने उर्दू माहौल में रही हूँ ज्यादा ना। सही है। हाँ, मेरी नानी का नाम क्या था, पूछें? क्या था? मताची। मताची, मैंने बोला ये उनका नाम था या छिड़ती, क्या था? देखे ना, तो चाइना में अजीब अजीब नाम है। वो लोग खाना भी बड़ा अजीब तरीका का खाते हैं। आप तो छुपकली देख के भाग जाती है ना, छुपकली चाइनीजों को देख के भाग जाती है, स्टिक पे फंसा के खा जाते हैं। कहा जाएगा भागो। मैं आपको बताऊं, मैं थाईलैंड गया था, जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं ना सीओ गोलगप्पे, क्या मिल रहा था, टिड्डा खा रही थी एक लड़की टिंके में फंसा के, कॉकरोच खा रही थी, उन सीखे कुछ चाइनीज औरतों से हम तो भाग जाती, एक कॉकरोच आ जाए पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है यार किचन में। बिल्कुल ऐसे ही है। रिजवान, आप ये बताएं कि आप में प्रैंक स्टार के अलावा और कौन सा टैलेंट है? और कौन सा टैलेंट है? ये लट्टू बन जाता। मेरे टैलेंट ये तो बता रहा हूं। मैं किताब दे देता हूं ना, अपनी आप ही बता दो ना। किताब पढ़ी हुई। मैं मोहब्बत अच्छी करता हूं। तो अभी तक शादी तसल्ली से करता है, मतलब लड़की देखता है अच्छे किरदार किए फिर उससे मोहब्बत करता है। तो कितनी दफा मोहब्बत कर चुके हैं आप? मैंने लोगों से मोहब्बत की बात की है, लड़कियों से नहीं। अच्छा, लोगों से करते? लोगों से, मतलब लड़कों से? लड़कों से, लड़कों से, बाजी, दोस्तों से। ओ बाजी, क्या हो गया यार? वो सामान रखा था किधर है? इधर आके बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। अबे कौन है? अबे क्या बात है, क्या हो गया, कौन है? रिजवान बैठा हुआ है। देखो यार कितनी अजीब बात है ना, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, अभी पिछले हफ्ते लाया नए तक ये बोल पड़ा। मेरी आवाज बंद हो रही है। इंसान है, अकल इंसान, यूट्यूबर बैठा हुआ इतना बड़ा, अभी ये क्या है? सॉरी भाई। अरे भाई, ये कौन सा आदमी है जिसका सीना ही नहीं है? इधर आओ। सीना क्या नहीं है, आप तमीज से बात कर रहे हैं। इतनी, इतनी रंग बिरंगे क्यों हुए वो, लाइटें क्यों जलाई हुई है मुंह पे? मैं अपनी तरफ से 14 अगस्त बना रहा हूँ। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? हुशी, बिल्कुल सही बोला आपने। हुशी भाई, कौन है आप? ये कौन है? भाई है मेरा जी। माशाल्लाह, आप तो गाड़ी में आए होगे। हाँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप गाड़ी होगी आपके पास। तुम कौन सी बिल्ली करके आए हो? कौन सी बिल्ली पे आए हो तुम? ये आपके भाई हैं यार, बदतमीजी नहीं करो जुगनू। अबे तुम तो हो ही जाए। कल क्या हरकत की इन्होंने सुबह? क्या क्या हरकत की? तुम्हें पता है क्या हरकत की है? नहीं। इसके पेट में चलेगा 5 का सिक्का। मोहल्ले वाले से दुआ करवा रहा है यार, दुआ करना, एक जगह पेमेंट फंसी है बस निकल जाए। पेमेंट निकल गई, बाद में बताऊंगा। यार तुम्हारी शक्ल चाइनीज में मिल रही है, चाइनीज हो? मैं चाइना का हूँ। आपको पता है जो लड़कियां कहती है ना, हर मर्द एक जैसा होता है, जी जी। ये चाइना के लिए तो कहती है, चाइना में हर मर्द एक जैसा होता है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई जुगनू, चाइना को हल्का नहीं लेना, बहुत बहुत बड़े काम करता है। चल, अजीब लोग हैं चाइना वाले भाई। क्यों? मैं तपा हुआ चाइना पे। क्यों? अपने बच्चे देख के बोल रहे होते हमारा नहीं चाइना का है, कितनी अजीब बात है। नहीं, चाइना ने जुगनू बहुत तरक्की की हुई है, पता है हर सांस के बाद एक बच्चा पैदा होता है। क्या बात कर रहा है यार, हर सांस के बाद बच्चा पैदा हो रहा है। हड़े भाई, ये क्या कर रहे हो? चुप हो जा, चाइना में बच्चे पैदा कर रहा हूँ, बस दुआ करना चपटे ना हो यार। ये मुझे बता, इनको खुला किसने छोड़ा है? इनको बंद करें प्लीज। नहीं नहीं जुगनू, क्या कर रहे हो? मेरे मेहमान है। क्या मेहमान है यार? यार मैं पहचान गया इनको।
भैया ना जो YouTube पे लोगों से गंदे गंदे सवाल करते हैं। कौन सा गंदा सवाल? अबे तुम्हारी मैंने व्हाट क्लिप देखे यार। कौन सा क्लिप देखा बताए? वो एक खुसरा तुम्हारे को बोल रहा हमारा क्या बाकर खानी का प्रोडक्ट बेचते हम, ये क्या करवा रहे हो तुम? तो उस खुसरे ने एतराज नहीं किया, आप खुसरा क्यों एतराज कर रहे हैं? आज आया कोई मेरे 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 टक्कर का आया कोई घर पे? आज पता चलेगा। मैं स्पेशल बुलाया आपके लिए। सवाल कर रहा हूँ, जवाब बता भाई। पूछो। बता, सही था या गलत था जो मैंने बताया? तूने बता दिया? बता दिया। पता क्यों नहीं चला तुम्हें? पता ही नहीं चला तुम्हारा रंग इतना काला हो गया, तुम्हें पता चला? नहीं यार ये पता है, मैं बस ज्यादा पक गया था। असल में अम्मा अब्बा होट से बच्चा जला दिया। ये लाइटें अगर बंद कर दी ना तो चेहरा भी नहीं दिखेगा, ये बता दूं। सही जला के आयो चेहरे पे बिल्कुल। तुम्हारे पास पता लग रहा है? आ रहा हूं मैं अपना बगर क्या बोलूं तुम्हारे को बगर। ये आपके भाई है? जी जी ये आपके भाई है। ऐसा भाई आपने घर में रखा हुआ है? ये कोई पालने वाली चीज है? सही बात है। ये तो इलाकों में छोड़ने वाली चीज है, ये तो खुद ही पल जाते हैं। हाँ तुम्हारे जैसे मैंने देखे भाई, वाँ वाँ। काट लेते हैं, औरतें भाग रही होती देख के। क्या बदतमीजी कर रहे हैं यार, तमीज से बात करें। आपने हमें इंसल्ट करने के लिए बुलाया यार? नहीं नहीं ऐसी कोई बात, यार कहीं तो इज्जत रख लिया करो। अभी रखते हैं, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपसे। इस तरह कैसा सवाल होगा? ये कहाँ जा रहे हो? किस तरह सवाल करिए? कैसा सवाल हो रहा भाई? यार मैं कंफर्ट नहीं हूँ सोफे पे। आप सवाल करें। सवाल भाई, एक वो कौन सा परिंदा जो भौंकता है? तेरा बाप भी नहीं बता सकता। मैं बताऊं? हाँ बता। तुम परिंदों का पूछा, जानवरों का नहीं पूछा। हार मानी? नहीं बता। नहीं बता, चल दूसरा सवाल का जवाब दे दो। पूछो। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा बे? ये बता, हमारी जनरल नॉलेज में इजाफा कर। मेरे को खुद नहीं पता, जब तो तेरे से किया था सवाल। दूसरा सवाल पूछो। दूसरा सवाल है भाई, तू भी सुन भाई। हाँ मैं सुन रहा हूँ। क्या भाई? तीन कुत्ते खड़े हैं, बल्कि बैठे हैं। ठीक है, सवाल समझना। हाँ जी जी। नहीं नहीं आप बैठे हैं, सवाल पूछो। पूछो। भाई तीन कुत्ते बैठे हैं, एक है अभी तो फिलहाल, दो खड़े हो गए एक नहीं हो रहा है। लो भाई तीन कुत्ते बैठे हैं, सफेद ठीक है, काला ब्राउन ठीक है, किस कुत्ते में नशा है? काले वाले में। कैसे? क्योंकि दो कुत्ते हैं ही नहीं, वो शेर हैं दोनों। नहीं गलत। गलत। नशा किस में? किस में? ब्लैक डॉग। तो ब्लैक तुम ही तो थे। अबे ये घूम फिर के मैं क्यों आ रहा हूँ सवाल में? तो लाइट जला के आए हो ना तुम? ये हमें चुप रही है, बंद करो लाइट। माशाल्लाह ये कौन है? किसी ने पेड़ा बना दिया आटा का, रोटी नहीं बनाई। बताओ। खबरदार जो उसके बारे में सच सच बातें बोली। अच्छा हाँ। माशाल्लाह शादी कर ली? ढूंढ रहा हूँ अभी कोई। नहीं करना। क्यों? जाते शादी शुरू होती है वहां तुम खत्म हो जाते हो। हंस रहे हो? बड़ी मेरी किताब लिखी हुई है ना आपने, तो आपको सब तुम्हारी किताब है। कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। रिजवान और उसकी फुर्तियां, नई किताब आ रही है तुम्हारी। माशाल्लाह तुम उसमें आते ना निकराल में। ये एहसन भाई इनको जरा समझाएं क्या बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं ये? आप हम यूट्यूब की बात करने आए, ये अपनी किताब खोल के बैठ गए हैं दुकान। पैदा कब हुए थे? मैं 1997। वजह? अब ये तो पूछनी पड़ेगी ना वजह। आप क्यों पैदा हुए? आप क्यों पैदा हुए? दम घुट रहा था सर। YouTube की कुछ बात कर लेंगे, इनकी सुननी है। जी जी करें, आप हम बात कर रहे हैं यार। जाओ ना यार, मेरे सामने कर लो, दो तीन बातें कर लो मेरे सामने, हो सकता है कुछ बातें और निकल आए। आप अपने सवाल करें, इनको इग्नोर करें भाई। आप अपने इग्नोर इग्नोर। हां मेरे को इग्नोर करो। इग्नोर। आप बताएं YouTube पे वैसे वायरल? मेरे को इग्नोर करो। जुगनू मैं हुई नहीं है सर। मैं यार इंसान का ना अपना हाथ उसकी अपनी इज्जत पे होता है। माशाल्लाह इसके हाथ देखो, ऐसे हम लोग अदरक लाते हैं बाहर से खरीद के। आप ये बताएं जी, पूछें तो देख ले अंदर आएंगे क्यों? आपके मुंह में चूहा देके बिल्ली पकड़नी है, ये काम आप ही करें, अकेले जाएंगे। ये काम आप ही करें। हां हो क्या तो ठीक है, बिल्ली और चूहा पकड़ना ये आपको अच्छे तरीके से आता है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अहमद, आप मतलब अपनी वीडियोस में काफी ऐसा टैलेंट है जिसको प्रमोट वगैरह करते हो, और हमने एक देखा कि आरिफ खान का एक वीडियो हाँ, देखा था जो कि जोकर सिंगर जी। यार मैं सच बताऊं, मैंने उसको प्रमोट नहीं करा, उसने मुझे प्रमोट कर दिया। वाह, क्योंकि उसका टैलेंट इंडिया तक गया है। जी बिल्कुल। तो यानी आई गेस एशिया पूरा, एशिया पूरा, और लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से उसको अप्रिशिएट करा है और कहाँ कहाँ से पैसे भेजे। मैंने कहा मुझे तो बता दे कितने भेज रहे हैं भाई, आगे अगली वीडियो में मैं जोकर बन रहा हूँ, तू होस्ट बन जा। अच्छा वैसे मैंने सुना है कि वो तो सिंगर तो बहुत कमाल के हैं। बहुत कमाल का सिंगर जो वो अपना एंटरटेन करते हैं लोगों को जोकर बन के, उसका तो लोगों ने ऐसा उसकी कदर नहीं की, लेकिन सिंगर अच्छे। तो मैंने सुना कि आप कोई उन्हें उनके साथ सॉन्ग कर रहे हैं? उनके साथ हमने सॉन्ग कर भी लिया है, सॉन्ग ऑनियर भी हो चुका है, लोगों ने बड़ी तारीफ की है। बल्कि रुहेल हयात साहब ने उनके साथ एक सॉन्ग करा है। सॉन्ग भी बेसिकली वो कौमी तराना है, काफी सारे सिंगर्स ने उनके साथ मिलके किया है, जिसमें आरिफ खान भी शामिल है, और वो आने वाला है, बस ऑनियर होने वाला है। तो ये कि बस आप लोग दुआ करेंगे तो जो कराची का जो लोकल टैलेंट है वो प्रमोट हो, जिन बेचारों को चांस नहीं मिलता। नहीं, बहुत अच्छी बात। नहीं तो वो भी देखें, हम हमारी तरह यूट्यूब पे आ जाएंगे हैं।
उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे, समझ रहे हैं? हम क्या करेंगे? मुझे ये बताएं कि नादिर जी ने तो अपनी एक अलग पॉडकास्ट स्टार्ट कर ली है, आप लोग कब स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिकली मैंने भी एक शो स्टार्ट किया है काले बंदर के नाम से। अच्छा, जिसमें मैं, जिसमें जो आप वीडियो की बात करें ना आरिफ खान की, वो भी उसी शो का एक पार्ट है। ऐसा ही तो उसमें मेरा यही होता है कि लोकल टैलेंट ढूंढता हूँ मैं ना, और इसके अलावा डेली व्लॉगिंग चल रही है, और इसके अलावा रिजवान ना पता, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सीन ये है कि मैं न्यू टैलेंट के नाम से, हमारा प्रैंक्स का चैनल है, तो उस पर प्रैंक्स चल रहे हैं, और व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग है वो मेरी अपनी प्रोफाइल चैनल पर चल रही है रिजवान खान पे, तो काफी अच्छा चल रहा है सीन, समझ लें यूट्यूब बेस्ट। अच्छा, आप लोग सब एक साथ काम करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि आप, कंपटीशन तो हर जगह होता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपका नादिर भाई से या नादिर जी से कोई कंपटीशन है? देखिए मैं आपको बताऊं कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा, इस पे मैं 2 मिनट की बड़ी सीरियस बात आपको बताना चाहता हूं। देखें, इस वक्त कायनात में 250 बिलियन गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिसमें से एक हमारी मिल्की वे है। इस एक हमारी मिल्की वे में 250 अरब सूरज हैं, और ये हमारा जो सूरज है ये सबसे छोटा सूरज है। फिर उसके बाद अल्लाह पाक की 20 लाख स्पीशीज मखलूकात हैं, घोड़ा, कौवा, चील, उसमें से एक स्पीशीज इंसान है, और इंसान ही इतने ज्यादा करोड़ है दुनिया में, ठीक है? और इन सारी स्पीशीज में सिर्फ इंसान कमा रहा है, बाकी सब ऐसे ही खा रहे हैं। तो अगर ये सारा निज़ाम देखने के बाद अगर मेरी ये सोच है कि मैं किसी को पीछे करके आगे आऊँगा, मैं अपने सब्सक्राइबर इस तरह गेन कर सकता हूँ, किसी के सब्सक्राइबर कम कर दूँ, किसी को एक्सपोज कर दूँ, तो फिर मेरी इस सोच पे आप अफसोस करें, लानतान करें और मुझे सोच निकाल दें। वाह 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 वाह। मैं अच्छा एक और सवाल, कोई ऐसा यूट्यूबर आपकी नज़र में हो जिसके बारे में आप कहना चाहते हो यार ये मुझे बहुत जहर लगता है? कोई तो ऐसा होगा, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर या कोई एक्टर? एक यार पहले आप बताएं फिर आप बताएं। एक लाहौर का जरा सीम है, एक जी जी वो है ना, वो शामिर अब्बास, यार तेरा भी वो ही है बस वो है एक लाहौर का जरा सीम है शामिर, मतलब मैं लाहौर को नहीं कह रहा, मतलब जहाँ का जरा सीम है वो वहाँ का कह रहा हूँ। अच्छा वैसे वैसे तो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन खैर एक मजाक की बात है। नहीं सीरियस में, अगर आप, अगर सीरियस पूछ रही हैं आप, जी सीरियस में भी वही है, तेरा काम ही नहीं है इस घर में, तेरा काम ही नहीं है इस घर में यार। क्या हुआ भाई, कौन हो, कहां जा रहे हो? ये क्या है भाई, एक आदमी आ रहा है एक आदमी जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। चुप कर जा यार, मेरे भाई का दिमाग घुमा हुआ है। कहां पे घुमा, पूरा ही घुमा हुआ है ये तो। तू बात कर ले बाजी से यार। अबे मेरा दिमाग नहीं घुमा हुआ, फिर तूने मेरी टाई घुमाई है पीछे। सॉरी माजरत, आप बात करें, अनपढ़ हैं दोनों भाई, ये घर छोड़कर जा रहा हूं जुगनू। जा फौरन जा। कहाँ जा रहे हो? मैंने फारिग कर दिया भाई। अरे मेरी लाइनें तो कंप्लीट होने थे जुगनू। अच्छा अच्छा करो करो। ये गिरा गई मशीन, मेरी लाइनें थी जुगनू। क्या थी? तुम इधर आओ जुगनू, मेरे पास जुगनू। भाई को क्या था उन्हें भाई, ये बांग्लादेश का शाहरुख खान, क्या हुआ, क्या है, क्या रे बाजी? क्या भाई, ये घर नहीं बल्कि ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ बाजी। कहाँ? मैं जाना चाहता हूँ किसी बाहर के मुल्क, जहाँ मुझे अच्छे केस तो मिलेंगे, जहाँ मैं केस लड़के केस जीतूंगा तो सही। कौन से केस की बात कर रहे हैं? कौन से केस की बात कर रहे हैं? ब्रीफ केस। 49 केस लड़े हैं मैंने, आज तक एक भी नहीं जीता बाजी, एक भी नहीं। अरे इस मोहल्ले में बदनाम हो गया हूं मैं। मेरी बात सुन, इससे तो अच्छा मैं ये घर ही छोड़ के चला जाऊं यार। मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन ले। तो ये छोड़ के जा कहां रहे, तो बैठ गया। क्या हुआ बेटा, ये मैदे में घुस जाता है, बाहर भी नहीं आते फिर ये, पता है? क्या छोड़े हुए घर में अपने बंदे, क्या छोड़ा है ये, खुले छोड़ दिए जो। कोई टांगे ऊपर कर लो भाई, खन खजूरा आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? अब तो वाकई मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ यार। मेरी बात फैसला तो करो पहले, जाना ही नहीं। इसको बोले ये अपने मुंह से कटारा निकाल के बात करे। मैं डिस्कस कर ले उसका मतलब। इस तरह का मुंह क्यों बनाया है? इस तरह का मुंह क्यों बनाया? नहीं रबड़े डलवाई इसके मुंह। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन गौर से। सुना मेरी लग गई जैसे टसल। किससे? जो आया हुआ है छोटा। हाँ करो, उन्हीं पे केस करके ना तू अपना केस जीत जा। अरे इतने तो केस किए हैं, आज तक तो जीता नहीं, और इन पे मैं केस करूंगा क्या? मेरे पास तो फाइल भी नहीं है इनकी। अबे मैंने तैयार कर ली, बता दो, टसल लगी हुई है। क्या बात कर रहा है? ये पकड़, आज तू केस जीतेगा। आज मैं इनको फांसी दिलाऊंगा। अरे ऐसी आज मैं केस जीतूंगा। हाँ हाँ, मैं जब बैठ फिर आना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने समझा दिया भाई। बहुत अच्छा बच्चा हमारा, सुलझा हुआ बच्चा है। केस करेगा? नहीं नहीं, केस थोड़ी करेगा भाई। हम पे क्या केस करेगा, हमें इसके वालिदैन से मिलाओ, हम केस करेंगे। क्यों? मौसम का ख्याल नहीं किया, औलाद का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे तेरे अब्बा को, इसके अब्बा को कोड़े पड़ने चाहिए। क्यों? टाइम भी पूरा लिया, क्या किया? एक मिनट भाई जान, एक मिनट, होश में हो? जी जी जी,
होश में हो ना? जी जी जी। होश में बैठो फिर। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम मिस्टर लायर। ओके बाय। ये झूठा है, झूठा है। ओके बाय। ओके लायर कह रहा झूठा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस्टर लायर। मैं इस घर का वकील हूँ। जी जी। और मुझे ये इत्तला मिली है कि आप दोनों एक बहुत ही बड़े संगीन मुजरिम हैं। अबे तूने बड़े कल इसके जेब से टैंकर निकला है। क्या बात कर रहा है? टैंकर? टैंकर? कौन सा टैंकर? वो जो जंग में यूज होता है। मुजरिम की बात कर रहा है? क्या चल रहा है हसन भाई? बहुत टेक्निकल आदमी है भाई। कल होटल में खाना खा रहे हम नल्ली खा रहे बैठ के, भाई ये गायब हो गया। जब वो बड़े वाली हड्डी उठा के यूं किया ना, उसमें से निकला ये। दुनिया घूम रही है गलियों में, ये घूम रही है नल्लियों में। मैं चाहता हूं कि इन पे जो इल्जामात हैं वो मैं साबित करूं। जी, कैसे साबित करोगे? कोई सबूत, कुछ है, फाइल है? मेरे पास फाइल है जज साहब। मैं चाहता हूं कि ये मेरे विटनेस बॉक्स में आए, मैं इनसे कुछ सवालात करूं। प्लीज यार, प्लीज कोऑपरेट विद अस। सर ये आपने यूट्यूब की बातें करनी है या क्या क्या करवा रहे हैं आप हमसे? ये एक आपने ये छोड़ा हुआ हम पे ये बंदर, ये हमें जीने नहीं दे रहा। एक वो वकील आ गया उल्टा सीधा। मुझे भी नहीं जीने दे रहा, इसलिए आप दोनों को बुलाया। प्लीज जो है वो कटेरे में आ जाओ। अगर तुम कटेरे में, मैं खुद आ रहा हूं। अरे ना वो उसे बदतमीजी नहीं करना। पहले इसका केस चलेगा। नहीं, दोनों का एक्स्ट्रा चलेगा। दोनों का, दोनों की फिल्म। जाके कटेरे में खड़े होकर दिखाओ। जाओ जाओ, इधर आओ आप, इधर आओ। मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा उसके बाद। जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या बात है? ओए अपसेट है तू? किसी के घर में झांक रहा है क्या? तो ऐसे ही खड़े होंगे ना, क्या करें? माशाल्लाह ऐसा ही लग रहा, हम मुमताज बेगम को देख रहे हैं चिड़ियाघर में। चलो केस शुरू किया जाए। दस साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस अदालत में खामोशी हो जाए। खामोशी हो जाए और अदालत के असूलों को पामाल ना किया जाए। केस शुरू करने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले मेरा एक सवाल है। जी जी। जो कि मैं करना चाहता हूँ मुजरिम अहमद से। स्टार्ट करें। मुजरिम अहमद, पहला सवाल यह है, स्टार बनने से पहले, ये फेम हासिल करने से पहले, इतना काम करने से पहले, क्या आप खिलौने बेचा करते थे अपने दोस्त के साथ? सही जवाब। जज साहब, इन्होंने कहा कि ये अपने दोस्त के साथ खिलौने बेचा करते थे फेम हासिल करने से पहले। अब वो दोस्त इनके साथ ही होता है और तकरीबन ये दोनों ने, इन दोनों ने बहुत सारे काम किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इनका जो दोस्त है वो इनसे काफी आगे चला गया। जी जी। उसके पास बहुत ज्यादा फेम है। जी जी। उसके पास इनसे ज्यादा पैसा है। क्या बात है। जज साहब, ये उनकी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं, क्या ये बात सच है? ये वकील की डिग्री क्या ये बात सच है? क्या हो गया भाई? क्या ये बात सच है कि आप अपने दोस्त से जलते हैं, उसे हसद करते हैं, उसके टैलेंट से, उसके पैसे से, उसके व्यूज से, उसकी शोहरत से जलते हैं? क्या ये बात सच है? ये साहब, ये खामोश क्यों हैं साहब? अरे ये लो, ये लो साहब, इनकी खामोशी ये जाहिर कर रही है ये कि ये मुजरिम नहीं है। जज साहब है, क्या आप, ये एक काबिल इंसान है, ये एक मेहनती इंसान है। जज साहब केस जीत गया। जज साहब, पता ही नहीं चला। अहमद अली भट्ट बहुत अच्छे इंसान है। अगला वजीर आजम तू है, तूने जो यू टर्न लिया ना मनु, और सलमान भट्ट के लड़के पैसे रिजवान दूसरा है भाई। अच्छा, उस पहचानता नहीं उसका, इतना बड़ा मुंह है भाई। मेरे जितना मुंह थोड़ा है। अहमद खान, आप बहाल है भाई, इज्जत बखरी हो गई। अहमद की नहीं, गलती अहमद के दोस्त की थी, जो उसके साथ खिलौने बेचता था, उसने उसके साथ गलत ज्यादतियां की इस बेचारे के साथ। बेचारा बहुत मासूम है। आप जाइए, आपसे मैं आपकी इन सब बातों पे लानत भेजता हूं। लायर, पैसे रिजवान ने दिए थे। लानत ना भेजे, अपना मुंह भेज दे। सही है, खैर हाँ, जाओ ए, तेरे मुंह पे इसका मुंह। लोग मेरी शक्ल पे लानत भेजते हैं, ये पहला शख्स है जिसने मेरी बातों पर। उस पर क्या केस है भाई? उस पर केस करो। माशाल्लाह, इन पे केस करें। वकील बिका भाई। जज साहब, ये बेचारा रिजवान बहुत मासूम है। क्या हुआ? लेकिन केस ही खत्म हो गया ना? नहीं, इस पर एक इल्जाम है जज साहब, जो कि बहुत ही संगीन है। जज साहब संगीन भाई, भाई जज साहब, ये जब भी कभी बाहर जाता है, जी जी, किसी भी शादी में, किसी भी शो में, किसी भी सालगिरह में, तो आज तक इसके घर वाले इसको डायपर पहना के बेचते हैं। क्या ये बात सच है? जब डायपर पहनाते हैं तो इसमें मतलब, इसमें मुजरिम किस बात का हो गया? मैं ये केस किस बात का हो रहा है कि ये भी साथ जाता है और डायपर ये खोलता है आपके, ये इस बात का मुजरिम? जज साहब, मैं चाहता हूँ कि खामोशी जाहिर की जाए। आप खामोशी जाहिर कीजिए। मुझे ये बताएं कि आप डायपर पहनते हैं या नहीं, डायपर पहनते हैं या नहीं? काट नहीं लेना भाई, काट नहीं लियो भाई। मैं पूछ रहा हूँ डायपर पहनते हैं या नहीं? वो बाल, वो अजीब बातें करते जा रहे हैं। तो तरीके से पूछो ना भाई। ये हसन भाई, ये काट लेगा यार, मैं नहीं आ रहा। ये वकील है क्या है? डायपर पहनते हैं या नहीं? नहीं पहनता यार, क्या बेवकूफ वाला सवाल कर रहा है? जब वो बोल रहा तो बताता क्यों नहीं है? इधर आ। ये दो झुंझुने किसने छोड़ दिए? डायपर पहनते हैं या नहीं? आपको बता, आपको डायपर पहनते हैं कि नहीं? एक मिनट, मैं भैया मैं बता रहा हूँ। कुछ पढ़ के फूंक के चले आएंगे, कुछ पढ़ के फूंक चले। हिश हिश, छू छू छू।
क्या चल रहा है हसन भाई, ये कैसे बंदे छोड़े हैं? ये भाई तो बता दो मेरा डायपर पहनता कि नहीं? नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनता? चेक करा, ये चेक करा, तो बंद हो जाएगा भाई, चेक करा दिया। तो ये हमारा गेम जिसका नाम है जिसने खाया उसने पाया। इसमें आप लोगों को करना क्या क्या है, ये हैं दर्जन केले और एक मिनट आपके पास है, जिसने पहले खा लिया उसने 5000 पा लिया। सो रेडी आप लोग? रेडी। रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। खान छोटा भाइयों की ध्यान रखना जरा, ठीक है? एक मिनट है आप लोगों के पास। कौन जी? देखो मुझे तो लग रहा है अहमद भाई ज्यादा तेज खा रहे हैं। जवान की स्पीड। ये सोचे खाना सिर्फ खाने ही नहीं है बेटा। अहमद भाई तुम्हारा छोटा भाई। अभी तक दोनों एक ही उस पर हैं। एक ही स्पीड पे। कमान 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 कमान। जीतना है भाई। दो। अच्छा दोनों सेम चल रहे हैं। नहीं नहीं, रिजवान आगे है। रिजवान भाई आप तो आगे हैं। मेरा केला बड़ा जा सकता है। टेन नाइन जीत गए। एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम्स अप। और रिजवान ने 3 खाए और चौथा खा रहे हैं और अहमद भाई ने 2 3 4 नहीं 3 क्योंकि चौथा उनका हाफ ज्यादा था 3.5 तो जी। इस अब अगर देखें ना, ये देखें, अब लोग बोलेंगे पता नहीं कैसी बातें कर रहा हूँ। केले का साइज भी देखें, ये देखें। खाना था वो रिजवान भाई खा गए और ये इनाम इनको। गेम के विनर है रिजवान साहब। इनाम पहले क्यों नहीं बताया? बोला था ना उन्होंने पहले बोला था। लेकिन आप फिकर मत करें, हमारी अगली गेम है उसका अगली भी, गेम भी है। है जी। नेक्स्ट गेम प्लीज। तो जी ये हमारा नेक्स्ट गेम जिसका नाम है गेस द वर्ड एंड विजुअल। और इसमें आपको करना क्या है, हम लोग आपको एक वर्ड या एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है कार्ड देंगे, 10 सेकंड्स है, पहले मैं आपको दूंगा, आपको इनको गेस करवाना है, फिर वो आपको देंगी और इन्होंने आपको गेस करवाना है, ठीक है? 10 सेकंड है आपके पास और इसका भी हमारे पास इनाम है। सो पहले आप इनाम में क्या पहले बता दें? 5000। 5000 का सवाल है मकान? 5000 के लिए तो मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। गेम शुरू करें, पहले आप करवाएंगी, पहले ये उनको गेस करवाएंगे, ठीक है? सही है, आप देंगे। ओके रेडी, 3 2 1 गो। कौन है ये? देखे अभी भी बता दे कोई कुछ भी करके। मेरे ढोले जुदाइयां जी, वही सरदारी। कौन है? कौन है ये? उसामा है ये तो। कौन है भाई? अली सेठी यार। मेरे ढोले जुदाइयां, ये क्या कुमार सानू ने गाया? ये तो बाद में बताए ना। जी नेक्स्ट। क्या बोला है आपने? चक्की ना, चक्की चक्की। नहीं नहीं, उसने पहले चटनी बोला था। नहीं नहीं, क्या पता उसने क्या बोला, सुना तो मैंने ना। वो तो बेचारा पहले चटनी बोला, पहले चटनी बोला, पहले चटनी बोला, सबसे पहले पैदाइश के बाद। एक सेकंड, आप दोनों लड़ना बंद करें। आपने क्या बोला था? चकी, क्योंकि माइक में आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है। माइक में आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है, वो आंखों से यूं कर रहा है। सही बोला ना वो भाई ने, कि वो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये गलत हुआ ना? ये गलत है। ओके रेडी गो। तुम बहुत करीब हो। चकी, आटा। थ्री टू चावल। वन आठ
हलीम टाइम अप हो चुका है यार, मैं कौन बोल दी, टाइम अप हो गया था ना, तीनों गलत, ऐसे क्या बनता है, चक्की आटा पीस रहा है, रेडी याद करके आया भाई, हर बात पे चक्की बोल रहा है, 3 2 1 रेडी गो, गाना गा दो, कोई गाना गा दो उसका, दूरी आते हो, आते असलम, आते असलम आपके फ्रेंड है ना, इनका फैन कौन नहीं है, आपके फ्रेंड है ना ये, आते असलम जी अच्छा फ्रेंड है ये, देखे ना मिलता भी है उनसे ये, हाँ। घर जाके मिलता है, शक्ल से नहीं जी। तो एक आपने सही बता दिया, एक लास्ट है आपका, लास्ट है, रेडी गो, गोली गन पिस्टल एक ही जगह होता है, उर्दू में किडनी फेफड़ा नहीं, खत्म टाइम ही खत्म, किडनी तो बोल दिया ना उसका भी मतलब वही गुर्दा ही होता है, और क्या होता है, साला किडनी निकाल लिया है बे, गुर्दे सही, ये तीनों है ना सही, दो का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और 3 गलत हुए हैं, अब बारी है अहमद भाई की, अब मैं एक करूंगा, अब रेडी हैं, रेडी गो, पकड़े पकड़े, बैंड 3 2 1 ये बना क्या क्या था, देख तो लगा कमर, तेरी कमर इधर है, ये मेरा ये रही कमर, ये कमर है, ये कमर ये रही भाई, हां तो ये कमर, ये क्या कर रहा है, गंदे इशारे कर रहा है, मैं क्या समझूं, मेरे ज़हन में दो चार चीजें और आ रही थी, मैंने नहीं बोली, कमर लिखा है, शुरू कर यार, सही तो कर रिजवान, ओके अब मैं क्या समझूं ये बता ना, ये नेक्स्ट वन रेडी गो, 10 अच्छा हाँ कुछ आप सिमिलर बोल सकते हैं, रेडी, मुंह से कोई फड़फड़ा भी सकते हो, फड़फड़ाओ तो हाँ कुछ भी, तीसरा है तेरे बोले सर बोले आप बोले, रेडी गो, खाने हाँ चीज खाली पिए, क्या है, मीठी डिश है और तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, वेरी नाइस, तेरी मेहरबानी भाई, करवा दिया आपने, आपके पास सिर्फ 2 बजे अभी, ओके रेडी गो, बोले इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, एक्टर हैं, हां एक्टर, सलमान खान, ऋतिक रोशन, पाकिस्तानी है, ओमर राना, नहीं सुल्तान रही, नो नहीं, वो जवेरिया के हस्बैंड, साउथ, इतनी ये बचपन की तस्वीर, जवेरिया का नहीं, इतनी बचपन की तस्वीर लगा दी, ये तस्वीर तो साउथ साफ खुद नहीं पहचानेगा, कौन सी तस्वीर है, इतनी छोटी तस्वीर उनकी बचपन की, देखिए प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, प्यारे ने लेकिन तस्वीर में प्यारे लग रहे हैं बहुत, वैसे भी प्यारे हैं वो, हाँ पहचानने में नहीं आ रहे ना, ओके लास्ट आपके पास एक लास्ट, एक ही हुआ है अहमद भाई का सही, एक सही हुआ है, इन्होंने गेस कर दिया तो लेवल हो जाएगा, ना किया तो आप जीत जाएंगे, रेडी है, वैसे मैं चाहूंगा कि मैं ही जीतू, 3 2 1 गो, रेडी गो, बहुत बताने 10 मिनट पूरे हुए, फयाज पे जाके हम लोगों ने खाया था रात में बैठ के, निहारी नहीं फयाज पे बैठ, ये अच्छा था, ये पर्सनल सवाल पूछे इसमें मजा आ रहा है, ये वाला और खेलो, और खेलो अच्छा खत्म, इतना ही था, यहां पे फयाज की प्रमोशन हो गई है, अब क्या करें, फयाज हमारे कजन है बेसिकली, अच्छा लोग वो ना समझ लेना, अगर हमने उसकी मार्केटिंग की, सो दोनों ने 2-2 जवाब सही दिए हैं, ये लेवल हो गए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों जीते, किसी एक को तो जीतना, सुपर ओवर हो रहा है, सुपर ओवर हो रहा है, सो पहले आप कार्ड देंगी, आप गेस करवाएंगे, रेडी गो, मेरी फेवरेट चीज है खाने में जिसका तू शहजादा है, बिरयानी, रिजवान ने गेस कर लिया, ये बेसिकली पॉइंट मेरा हो रहा है, उनका और वो गेस कर रहे हैं, मेरा हुआ है, मैं गेस, ये मुझे बताएं तो मैं उसको ऐसे हिंट दूं उसका बाप नहीं पहचान सकता, ये मैंने अपना नुकसान कर लिया, ये मैंने क्या किया, ओके अब रेडी है, रेडी गो, डबल रोटी पे लगा के खाते हो तुम बहुत शौक से, मक्खन यार ये तो फिर लेवल हो गया, अच्छा इनको बोलने नहीं देना चाहिए था हमें, ये तो फिर लेवल हो गया, उसके पास एक ही
जगह है बोलने की, अगर वो बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? एक ही ये वादा था कर देता, यही करना पड़ेगा। सो दोनों बहुत खतरनाक खेल रहे हैं और फिर दोबारा से लेवल हो गया। वो गोल आउट निशाने लेने वाला नहीं, अब हम ये ही कर सकते हैं कि ये 5,000 है, अब आपकी मर्जी, आपने कितने रखने। आप देखिए, मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। पहले वाला मैच जीता था ना, ये वाला अहमद पूरे रख ले, बराबर सही है, बस सही है, बराबर हो गया। आप ये कह देते कि मैं रख लूं, अल्लाह तुझे इतना दे, अल्लाह तुझे और दे, इतना दे कि तू मुझे दे दे। वाह वाह, बहुत अच्छी गेम्स खेली है दोनों ने। सो मैं जैसे हम पहले YouTube की बात कर रहे थे, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आप दोनों से, कि जो आजकल जो टिकटॉकर्स हैं वो YouTube की तरफ आ रहे हैं और वो डेली व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और प्रैंक्स भी सेम वही चीजें कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार देखें, जो टैलेंटेड आदमी होता है वो किसी भी एप्लीकेशन का सहारा ले ले, चाहे वो टिकटॉक पे आ जाए, यूट्यूब पे आ जाए, समझ रहे हैं जी, रक्शे में आ जाए, टैक्सी में आ जाए, लेकिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। और मकसद है मंजिल पे पहुंचना, नोट कमाए, मकसद ये है नोट कमाना, मंजिल पे पहुंच के क्या करेंगे, नोट ही नहीं होगा तो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की, वेरी प्रोफेशनल है। यस, सुबह फांसी है मुझे, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। बाजी, आपको पता है आज मुझे एक फिल्म और मिल गई है, और इस फिल्म की जो सिचुएशन है वो इतनी धांसू है। और बाजी एक बात और, इस फिल्म का बजट भी पूरा 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए बाजी। वाह, खुश होना चाहिए बाजी आपको। हाँ वाह, पैसे मेरे पास ही आएंगे ना? जी जी बिल्कुल, हमारे पास आएंगे। और मैं एक बात और सोचा था बाजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना दूल्हा भाई को भी अपनी फिल्म में ले लूँ। क्यों? क्योंकि हमारा सफाई वाला भाग गया है बाजी। हाँ वैसे ये काम बहुत अच्छा कर लेते। दोनों शुरू हो गए, मेहमान बैठे हैं उनके सामने शुरू हो गए। अरे अहमद भाई, ओ रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम वालेकुम। यार बाजी आपने बताया नहीं कि हमारे घर आज अहमद भाई और रिजवान भाई आए हैं। अरे वो अहमद भाई है, ये रिजवान भाई। मैंने यही कहा है, ये थोड़ा सा आज नीचे आ गए, हाथ के बराबर आ गए, देखना। आपने ऊपर से बताया था वो अहमद भाई और ये रिजवान भाई। अरे भाई ये अहमद भाई और ये रिजवान भाई। हाँ हाँ, आप सही है। तो बाजी मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक पर्ची लगा लें। क्या? आप रिजवान से और अहमद से बात कर लें कि ये मेरी फिल्म कर लें। ठीक है, मैं बात कर लूंगी, पहले सिचुएशन बताओ। सिचुएशन बताऊंगा, लेकिन पहले इसको भगा दें यहाँ से आप। क्यों? ये मेरी स्क्रिप्ट चोरी कर लेते बाजी। मैंने कौन सी की है? चोर तो वैसे आप हैं ही। वो तो मैं हूँ, क्योंकि आपका दिल जो मेरे पास है। अरे यार ये रोमांटिक हो गए बाजी, फिल्म शुरू करें। हाँ हाँ शुरू करें, शुरू करते हैं। तो फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो ये है कि मैं इसके लिए मुझे एक डॉग चाहिए होगा, और डॉग का कैरेक्टर करेगा मेरा भाई जिगनू। ये बिल्कुल सही बात की है। अरे यार ये बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही, मुझे भी अच्छा लगा, है ना। हाँ छोड़ो यार, भाई जुगनू, जुगनू लायर अब आया ओरिजिनल कैरेक्टर में। वाह 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 भाई वाह, वाह वाह वाह, कुत्ता मैं हूँ, हरकत कुत्ता वाली कर रहा है। अबे छू बोल रहा था, छू छू। नहीं नहीं भाग जाएगा अभी नहीं। अच्छा नहीं बोलो भाई, भाई भाई की लड़ाई। बैठना किधर है? इधर ही बैठ गया। अच्छा अबे भाई कुत्ता है तू दूल्हा नहीं है। यार देखो यार अभी मेरा सीन हो गया यार। क्या हुआ? कोई बिजली काट गया मेरी, देखो लाइटें बंद आज। बस जिसका दाव लग गया उसने मार दिया। भाई स्क्रिप्ट शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट बताएं आप। मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट बता देता हूँ। बजट है? बजट यार बस 2 लाख का बजट है, 50 आप लोग रख लेना, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। भाई स्क्रिप्ट ये है कि छोटे भाई को बड़ा भाई बचा रहा है, और जो छोटा भाई है उसको बिल्ली मुंह में भर के लेकर जा रही है कुत्ते के आगे। बिल्ली कौन है? बिल्ली नहीं है, उसका बजट नहीं है हमारे पास, वो हम एडिटिंग से लगा देंगे। चलो आप वहां से चल के जाएंगे कुत्ते के आगे। मैं कुत्ता हूँ। आप कुत्ते हैं? आपका नाम है? आपका नाम है टॉमी। नहीं यार ये गलत नाम रखा है। आपका नाम है ब्लैक जट। लूसी भी रह सकते हैं, लूसी। ब्लैक जट। आई एम ब्लैक जट। ये छीछड़े का रोल कर रहा है, ये छीछड़े का रोल कर रहा भाई, छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, फेफड़े से निकला है। ओके ओके, आपकी एक्शन फिल्म लग रही है मुझे। ये मेरी बहुत एक्शन फिल्म है, बड़े भाई को ज्यादा एक्शन करना है, कुत्ते से फाइट है। अच्छा कुत्ते से लड़ाई जी। तुमने बचाया ना अपने भाई को? अपने भाई को बचाना है कुत्ते से। भाई ने कुत्ते के आगे आके लेट जाना है। मैं बैठ रहा हूँ वहाँ। मैं बैठूंगा यहाँ, तुम हो कुत्ते।
अच्छा भाई यहाँ पर छोटा भाई आके लेटेगा। ये बात बड़ा अच्छी सिचुएशन है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। बार बार कुत्ता बोला जा रहा है ना। दूल्हा भाई स्क्रिप्ट में बड़ा कुत्ता भी है, वो है ना पीछे, वो तो लाया है, वो मेरा कैमरा मैन है। चल यार फिल्म करा ले यार, फिल्म शुरू करें। उठ जा भाई, उठ जा वहीं पे शूट कर, पानी भी पिला दे इसको। तूने मेरी ये साइड मिटा दी है कुत्ता, बन जल्दी कर कलेक्टर में आ जा उसकी फिल्म है। तू तो डीओपी बन ए भाई। अच्छा फिल्म शुरू कर रहे भाई। शंटू भाई मुझे क्या करना है, कहां से आना है भाई? आप यहां से आएंगे बाजी के बिल्कुल पास से, ठीक है? बाजी के बिल्कुल पास से आपने यहां तक यूं चल के आपने और छोटा जाना है, छोटा करके जाना आपने। सही है, इसको बता दे कैसे लेना है। लेना है कारपेट, उस पे कारपेट पे इधर लेडी आना, तूने इधर लेडी आना, इधर ब्लैक जट के बिल्कुल मुंह के सामने। ये मैंने कहां से बचाना है भाई? आपने बिल्कुल वहां से भाग के आना है और अपने भाई को बचाना है। भाग कर आना जी जी, ऊपर से नहीं यार, नीचे से बुलाओ। अरे यार भाई तेरी फिल्म है मेरी फिल्म है, ऊपर मेरा कमरा है यार। यार ये भाई क्या हो गया, ये बोलने वाला कुत्ता कहां से आ गया इसमें? आजकल कुत्ते ही बोलना सब मेरे कैरेक्टर में रहे। चले मैं ऊपर से बाहर निकाल, हैं जबान बाहर निकाल, ऊपर से आ रहा हूं। बस घूरते रहो इन दोनों को। अच्छा भाई फिल्म शुरू कर रहे हैं, तू मवेशी आया हुआ है। एक सेकंड, ये कुत्ता है या गधा जो ये ऊपर बैठ गया? यार लायर हर जगह जलील करवाया है, कुत्ते वाली कर दी तूने मेरी। चलो वो भी तो तेरी कुत्ते वाली कर रहा है। अबे हम भाई किसके? मेरे और साले इसके। ओए ओए चलो स्टार्ट करो, मैं किधर कुत्तों में फंस गया हूं, जल्दी कर लो। फिल्म शुरू करेंगे भाई, फिल्म शुरू करेंगे। रोल कैमरा एक्शन। दिस वाह वाह, ये तो बातचीत कर रहा भाई, काट कर रहा। दिस इज माय ब्रदर। ओके थैंक यू सो मच। प्लीज ये लूसी है, लूसी डोंट ईट, डोंट ईट। ओके ये डॉग इंग्लिश कैसे बोल रहा है भाई? ब्लैक जट नाम है, कुछ भी कर सकता है। ब्लैक जट ये कौन सा डॉग है? इंग्लिश जर्मन, ये जर्मन है? नहीं नहीं ये तो वो है जो गलियों में अक्सर, मैं शंटू भाई खुद भाग जाऊंगा तो पत्थर भी नहीं मिलता। भाई लुढ़क के चले जाओ, लुढ़क के चले जाओ, लुढ़क के। क्या लग रहा है यार मेरा भाई, कसम से बाप नहीं कर सकता जो मैंने किया। आपका कैरेक्टर को क्यों करेगा भाई? रिजवान भाई को पेमेंट कैसे करनी है? हड्डी दे दो। अबे नहीं भाई दे दूंगा मैं, हाँ इसको मैं बाजरा दूंगा, बाजरे में पेमेंट होगी। फिल्म दिखा यार। अबे भाई फिल्म दिखा दे, सर पकड़े खड़ा हो। दिखाओ क्या हुआ, क्या है? पहले फिल्म दिखाओ। क्या हुआ? अबे दूल्हा भाई शूट कर लिया क्या? क्या हुआ? हमेशा की तरह क्या होने? क्या हुआ? नहीं आया क्या? क्या हुआ? अरे बाजी। क्या हुआ? बैटरी का इसकी? अबे इसको पकड़, इसको काट, काट इसको। बैटरी नहीं लगाई, कैमरा चला रहा है। अबे क्या काट रहे? ये लोग कैसे रह रहे होंगे? बस ये मेरे से पूछे आप, मैं कैसे रह रहा हूँ? आप तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं ना, है ना? खैर एनीवेज इन लोगों ने तो हमें बहुत तंग किया है और थ्रू आउट तंग करते आए हैं, लेकिन अब एक बहुत मजे का सेगमेंट होने वाला है जो कि मेरा तो फेवरेट होता है वो। अब हम लोग इन लोगों ने आप लोगों को बहुत टॉर्चर किया है, अब बारी है आप लोगों की इनको टॉर्चर करने की। अब हम अपनी अगली गेम की तरफ चलेंगे जिसका नाम है रॉन्ग शावर। ये अभी कुछ सही हो रहा है इनके साथ? क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या है भाई? यही तो होना है इनके साथ, इनके हर गलत जवाब पे ये शावर बरसेगा। सवाल मेरे हाथ में, सवाल अपने पास से भी कर सकते हो भाई, अपने पास से भी कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल कर लूं मैं, मेरे मामू का नाम बता। नहीं गलत है, चलाओ शावर। शावर चल। सही है सही है। अब मैं जरा ऑफिशियल सवाल कर लूं। ऑफिशियल अब सही बोले। हाँ सही है भाई। वो कौन सी चीज है जो आपसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं? आपका नाम? वन और थ्री बोलेगा शावर, खोला जाए। वाह 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 वाह। अच्छा जी तीसरा सवाल करने जा रहा हूं 2 करोड़ के लिए। हाँ बीवी का वो कौन सा रूप है जो सब देखते हैं लेकिन उसका अपना शौहर नहीं? विदाउट मेकअप। शावर चलाओ। थ्री बोलेगा शावर, खोला जाए। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इफ जलालत हैड अ फेस। वाह 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 जी जुगनू,
ये बीच वाले का भी चला दो, नहीं बता पाएगा। अबे मेरे को जवाब आता है यार। टाइम निकल गया, लेकिन टाइम निकल गया ना भाई। बेवा बेवा हैं? बेवा। ये तीसरे वाले का चला दो, कोने वाले का। अबे भाई तीसरे में नहीं हूँ। नहीं कुछ चला दो। तीनों का खोल दे एक साथ, तीनों नहीं दे सकते जवाब। तेरे को एक काम करो, लोटा भर के फेंक दो तीनों पे। ये ना ये अबे ये एंजॉय कर रहा है यार। यही सजा मिलेगी इनको तो और सवाल है हमारे पास है, भाई वो क्या चीज है खींचने से छोटी हो जाती है। अबे देख, देख मैं बता रहा हूँ, मैं इसको खींच के और छोटा कर दूंगा। गलत जवाब, गलत भाई। सही जवाब सिगरेट, सिगरेट जवाब सही है, लेकिन फिर भी चलाओ देर में। एक और सवाल भाई, आपकी अम्मी का बहनों ये आपका क्या लगा यार? ये तो बड़ी सोचने वाली बात है यार। तीनों सोच रहे हैं, शावर चलाओ। नहीं यार, आपको सांस भी नहीं लेने दे रहे। एक सवाल और करो, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल इसके बाद आखिरी सवाल आप तीनों के लिए। जवाब तो बताओ, जवाब हम क्यों पता है भाई? हमें खुद नहीं पता। अबे भाई ये वो ये भीगो भीगो के मार रहे हैं मैं। पता चलेगा जी। आखिरी सवाल, अच्छा घूंगा पानी कैसे मांगेगा? आसान है, इशारे से। कैसे? अंधा कैची कैसे मांगेगा? आसान है। अंधा बोलता नहीं है क्या? चलाओ पानी, चलाओ भी चलाओ। अंधा बोल के मांगेगा? अंधा बोल सकता है। ये क्या कर रहे हो? क्या जामा गिलास में जेबे काट रहे हो? क्या कर रहे हो ये? अबे यार बाजी, ना मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ना मैं सवाल सुन रहा हूँ, मेरा क्यों खुल रहा है पानी यार? बाजी बाजी कुछ नहीं बोल रही आज, मैं देख रहा हूँ। वो ही खुलवा रही है। यार मेरी तालीम कहाँ गई? हाँ भाई सवाल आ गया, सवाल आ गया। ऐसा भाई समझ गया, मैं समझ गया। तीनों का खोल दे भाई, तीनों का भाई खोल दो। दरअसल सवाल पूछने में देर इसलिए हो रही है क्योंकि एहसन भाई ने देखो ना बिल्कुल मेडिकल वो डॉक्टर की राइटिंग में लिखी है, मेडिकल वाले की डॉक्टर से किया उसने। हैं? सही बात है। वो कौन सा फ्रूट है जिसमें 25% हवा होती है? ले भाई मैं बताऊंगा। बताओ। सेब। वन और थ्री हो गए। शावर गोला छो। एक सेकंड, इसमें एप्पल लिखा हुआ है। तीनों का खोलो। अगर आपको पास होना है तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो किताब में लिखा हुआ है। बस हाँ। अच्छा वाह वाह, तीनों के अपने चेहरे सामने आ चुके हैं। वाह माशाल्लाह, आप ये देखिए तीनों इसी बहाने नहा लिए यार। वाह वाह वाह, सवाल खत्म हो चुके हैं। सवाल खत्म। गुरा भाई, गुरा भाई आज तुझे सही मजा आया। हमें भी इसी में मजा आया सबसे ज्यादा। वेरी गुड। अल्लाह की कसम तुम दोनों साथ खड़े होते हो ना टाइम तो पता लग जाता है। देखो डर बज रहा है। चलो यार मुझे तो बहुत मजा आया। दोबारा खोल दो शावर। इन्होंने क्या बोला? शावर खोल दो भाई जल्दी से। चला गया, चला गया, चला गया। बंदा ही चला गया। इससे पहले और पानी आए। ओके थैंक यू, थैंक यू। देखो अभी तीनों नहा के गए ना गंदे, अभी 5 मिनट बाद देखना पानी नहाने चला जाएगा। मेरे मासूम भाई, मासूम तो कहीं से भी नहीं है। खैर एनीवेज हमें बहुत मजा आया और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मजा आया। बिल्कुल बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच आप लोग हमारे शो में आए। कुछ कहना चाहेंगे रिजवान साहब और अहमद साहब? आप बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे भी आप लोगों के शो में आकर बड़ा मजा आया। इसके मैं चाहता हूं कि आप लोग 1000 एपिसोड करें हैं। बिल्कुल। और जाते आते एक मैसेज देना चाहूंगा मैं कि भाई उस इंसान की तरफ दोस्ती का हाथ कभी भी ना बढ़ाएं जिसने बाथरूम में से निकल के हाथ ना धोए। ये मैसेज है यार सर। भाई मुझे तो बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, कुछ नया करने को मिला। स्क्रीन पे नई स्क्रीन है, नया काम है और बहुत जबरदस्त आपका एनवायरमेंट है। और बेस्ट ऑफ लक आपके नए शो के लिए। बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस शो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और डोंट माइंड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे अच्छे से मजेदार से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।